दोनों में एक तो मुख्यमंत्री बनने वाला है और कोई भी बने तो मेरे उनके लिए शुभकामना है, ऐसे मैं पहले बताया था। तो आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि एक अच्छे जीत हासिल किया, इसलिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। ये इतना अपयश बीजेपी को क्यों मिला, ये भी एक प्रश्न है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी की हवा बन गई, हवा बन गई, हवा बन गई। अरे ये हवा नहीं, हवा नहीं थी और ना हवा है। लोगों को जो आपने आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं किया, इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई, ये कारण है। हवा क्या कम हो गई, विश्वासार्हता कम कर दी आपने कि जो आश्वासन दिया आपने उसका पालन नहीं किया। पहले तो भ्रष्टाचार के बारे में बताए थे कि हम सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के विरोध में प्राथमिकता दे देंगे, भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई है उसको प्राथमिकता दे देंगे। आज 9 महीना हो गया भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलते नहीं, तो लोगों में ये जो विश्वासार्हता कम हो गई कि इन्होंने आश्वासन दिया पालन नहीं कर रहे। अभी लोकपाल लोक आयुक्त कानून बना उसका अमल नहीं कर रहे, और अभी अभी तो एक जो निर्णय लिया है किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल, इतना खतरनाक है किसानों के लिए, इसके कारण इनकी विश्वासार्हता कम हो रही। इन्होंने जो आश्वासन दिए थे सब जनता को तो वो आश्वासन का पालन नहीं किया। और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल वो पहले से आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था, इसके कारण लोगों का विश्वास उसने संपादन किया है आंदोलन के कारण। आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है कि हमारे लिए ये लड़ेगा। इतना है कि मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। क्या गलती, मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना, सैंपल, जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हाँ, तो मेरी अरविंद जी से शुभकामना है और मैं अभी अपेक्षा रखता हूं कि वही आंदोलन, भले आप मुख्यमंत्री बन जाए, आपका मंत्रिमंडल बने, लेकिन समाज और देश के प्रति जो जो काम अच्छा आपको बुरा दिखाई देता है, आंदोलन, आंदोलन का भूलना नहीं। चाहे मंत्रिमंडल बने कोने बने, लेकिन आंदोलन को भूलना नहीं। आंदोलन ही इस समाज को, इस देश को उज्ज्वल भविष्य दे सकता है, ये अरविंद ने भी अनुभव किया है। तो मेरी उनसे शुभकामना है। वहां जाकर क्या करेंगे, अभी तो मैं शुभकामना व्यक्त की है और अपेक्षा की है। आपको अगर बुलाया गया तो आप जाओगे? नहीं नहीं, वो जाना मुझे ठीक नहीं। मैं पहले से बता, पक्ष और पार्टी से मैं अलग है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं अभी कई पक्ष में, ये श्री अरविंद की बात नहीं, हर पक्ष और पार्टी में जो जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मेरा ताल्लुका अच्छा रहा है। पक्ष और पार्टी में सब बुरे हैं इसे मैं नहीं मानता, जो अच्छे हैं उनको अच्छा भी कहना चाहिए। तो अगर इनमें अगर जैसे किरण बेदी है, ये सब लोग पूरे नहीं होते पक्ष और पार्टी में, कुछ अच्छे भी लोग होते, लेकिन जनता का कौन मानना पड़ेगा, जनता ने दिया हुआ निर्णय है।
किरण बेदी का फैसला गलत था जो बीजेपी में शामिल हुई। ये मैं कैसे कह सकता हूँ वो फैसला गलत था, ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? ये हार बीजेपी की या बेदी की है? ये हार दिल्ली में जो हार हुई है बीजेपी की, वो बीजेपी की हार या बेदी की हार है? नहीं नहीं, ये तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में 6 सभाएं ली इतनी बड़ी बड़ी, और 6 सभा के बाद भी अरविंद चुनकर आ गया, ये मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की हार है। अन्ना बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं बीजेपी की हवा है अभी भी, बीजेपी की हवा अभी भी है, ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद बीजेपी की हवा निकल गई? ऐसा लगता हवा हवा नहीं, विश्वासार्हता। आपने जो जनता को आश्वासन दिए थे काला धन वापस आने के बाद, हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए हम जमा करेंगे, तो लोगों को लगा अरे सामान्य लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग वो बोले 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे, तो फटाफट वोटिंग कर दिया। विश्वास विश्वास रखा ना, लेकिन वो विश्वास आज कम हो गया, पालन नहीं किया ना, ना तो काला धन आया ना 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा हुआ, और 15 लाख तो नहीं 15 रुपए भी जमा नहीं हुआ, तो लोग कहने लगे अरे क्या है ये ऐसे आश्वासन देने वाले लोग, हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा होने वाला था और आज तो कुछ भी नहीं हुआ। विश्वासार्हता कम हो गई। अगर शब्द को पालन करते तो विश्वासार्हता बढ़ने लगे, वो बढ़ने थे। अरे मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं क्या रिमोट कंट्रोल थोड़ा है? ये इतने अभी अरविंद जैसा आदमी उसके बुद्धि बड़ी तलाक है, उनका अनुभव है, हैं? और अनुभव के कारण अभी हमारे साथ भी वो आंदोलन में थे तो मैं देखा उनका बड़ा माइंड तेज है, तो वो कैसे चलाना उनको पता है, मैं कैसे बता सकता हूँ?